खरखौदा थाना क्षेत्र में 55 मामलों में जब्त की गई 33,500 पेटी शराब को नष्ट करने की कार्रवाई जारी है। शुक्रवार को प्लास्टिक की बोतलों में भरी 8,000 पेटी शराब को शहर के रोहतक मार्ग पर नगरपालिका की जमीन में ले जाकर बुलडोजर से नष्ट किया गया। कार्रवाई का जायजा लेने के लिए डीएसपी डॉक्टर रविंद्र कुमार भी पहुंचे। पुलिस की तरफ से जेसीबी की मदद से शराब की पेटियों को मैदान में फैलाकर बुलडोजर चलवाया गया। डीएसपी ने आदेश दिए कि शराब की बोतलों को पूरी तरह से नष्ट करें, ताकि यहां से कोई शराब को उठाकर न ले जा सके। इसके बाद डीएसपी टीम के साथ खरखौदा शहर के बाईपास पर स्थित गोदाम पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने शीशे की बोतलों में रखी शराब को नष्ट कर रहे मजदूरों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मजदूरों को एकत्रित कर कहा कि कोई भी मजदूर इस शराब को न पिए, यह शराब पीने योग्य नहीं है, इसलिए इसे नष्ट किया जा रहा है। वहीं उन्होंने मजदूरों को शराब नष्ट करने की कार्रवाई में तेजी लाने की बात कही। उन्होंने मजदूरों को शिफ्टों में काम करने के आदेश दिए। उन्होंने थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह को कहा कि गोदाम से बाहर जाने वाले मजदूरों की जांच करना भी सुनिश्चित किया जाए, ताकि गोदाम में रखी शराब की एक बोतल भी बाहर न जाने पाए। इस दौरान आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर अशोक मलिक व पुलिस बल मौजूद रहा। टीम में शामिल सभी विभागों के अधिकारियों को प्राथमिकता से शराब को नष्ट करना है, इसके लिए कोई समय सीमा नहीं रखी गई है, जल्द से इस काम को निपटाने का प्रयास है। वहीं शराब तस्करी से संबंधित मामले को एसीटी देख रही है, उनकी रिपोर्ट पर कार्रवाई होगी।